नमस्कार। अब काउंसलिंग प्रोसेस के हम काफी निकट आ गए हैं, सब कुछ क्लियर हो गया है। पीजी काउंसलिंग तो आज से स्टार्ट हो गई है, रजिस्ट्रेशन या कुछ देर में हो जाएगी, और यूजी काउंसलिंग में मुझे पूरी उम्मीद है कि सोमवार तक मैक्सिमम स्टार्ट हो जाएगी और उसके हिसाब से वो चलेगी। और जिस तरह अगर हम पीजी का शेड्यूल देखें, क्योंकि पीजी का वो शेड्यूल आ चुका है, तो उसके हिसाब से हम जानते ही हैं कि जो यूजी काउंसलिंग है वो भी सेम 2 महीना चलती है। तो रफली स्पीकिंग हम ये मान के चल सकते हैं कि 15 मार्च तक तो प्रोसेस चलेगी, राइट? क्योंकि 15 मार्च तक तो ये लोग सोचिए कि पीजी काउंसलिंग खत्म कर रहे हैं। तो अगर हम उसके जरा से पीछे पीछे भी चलते हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं कि यूजी काउंसलिंग भी 15 मार्च को खत्म होगी। और अगर 15 मार्च को खत्म हो जाती है तो बहुत ही वेल उसमें मान सकते हैं कि 16 मार्च से सेशन स्टार्ट होगा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, पर्पस ये है कि मेरे पास कई लोग के फोन आते हैं कि सर क्या इम्पैक्ट होगा जो सारे रूल चेंज हुए, कट ऑफ ऊपर नीचे। और मैंने वही कहा था कि सरकारी में तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफकोर्स वो मैं पहले वीडियोस में बना चुका हूँ कि ऑल इंडिया कोटा में जो 4 राउंड होने वाले हैं उससे किसको फायदा है। तो बेसिकली वही जो हाई कट ऑफ स्टेट्स हैं, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, थोड़ा सा हरियाणा, उनके बच्चों को थोड़ा फायदा हो जाएगा कि भाई हम थोड़ा सा हमें कम स्कोर पे सीट मिल जाएगी रिलेटिवली। और बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं या बाकी जो बच्चे हैं स्टेट्स के, उनको उसी तरह थोड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि ये जो ऑल इंडिया कोटा की पिछली सीट्स हैं जो वैसे वापस चली जाया करती थी, वापस वो नहीं जाएंगी उन स्टेट्स में। तो उसके पीछे पूरा लॉजिक लगता है कि वो सीट क्यों वापस जाती थी, कि क्योंकि फ्री एग्जिट अलाउड होता था बेसिकली 10,000 रुपये का सिर्फ डिपॉजिट जब्त करा के। तो कई लोग राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटा की सीट ले लेते थे किसी दूसरे स्टेट की, और फिर जब उनको अपने स्टेट में सीट मिल जाती थी तो वो लोग वहां पर ले लेते थे, और वही वो सीटें जो खराब होकर वापस जाती थी, राइट? अब वो सीटें बन जाएंगी। बट उस कुछ रूल के अलावा तो दिल्ली राजस्थान के बच्चों को शायद 5 से 8 नंबर का फायदा हो जाए विजा विज लास्ट ईयर कट ऑफ, या उसके अलावा जो यूपी में सीट्स बड़ी हैं सरकारी 10 कॉलेज, या तमिलनाडु में इन्हीं 2 स्टेट्स में बहुत ज्यादा सरकारी कॉलेज इस साल खुले हैं, तो ऑफकोर्स उस डोमिसाइल को फायदा होगा ऑफ दैट स्टेट कोटा। इसके अलावा अगर काउंसलिंग साथ साथ हुई, जो मैंने कई बार बोला है कि जो डीम्ड को एडवांटेज मिलता था कि कई पेरेंट्स जल्दी से जल्दी सीट लेने के चक्कर में डीम्ड की सीट पहले ले लेते थे महंगी सीट, अब उनको जरूरत नहीं है क्योंकि एक तरफ डीम स्टार्ट होगा तो एक तरफ उनके अपने स्टेट के प्राइवेट, दूसरे स्टेट के प्राइवेट स्टार्ट हो जाएंगे, दे कैन हैव अ स्टेट अवे इन्फॉर्म डिसीजन कि हम 20 लाख साल के डीम्ड की फीस भरें या 12-13 लाख रुपए में एक किसी स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में भी हमें सीट मिल गई है। मैंने कई बार समझाया पहले कि डीम्ड की हाई कट ऑफ जाने की वजह सिर्फ ये थी कि उनकी काउंसलिंग पहले स्टार्ट होती है, तो कई पेरेंट्स होते हैं जो बिल्कुल उतावले होते हैं कि नहीं नहीं सर, जितनी जल्दी सीट मिल जाए हमें तो बस लेनी है, बजट की कोई इशू नहीं है। तो वो एक इम्पैक्ट होने वाला है। लेकिन सबसे मेजर जो मुझे लगता है, और वो मेरे क्लाइंट के साथ भी ऐसा हो रहा है, और जैसे मेरे पास एक क्लाइंट थे जो 580 मार्क्स वाले, यू नो 543 के आसपास, पहले उनका वही था कि चलो सर सरकारी मिलना नहीं है, वी विल गो फॉर कर्नाटका या छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा लो कॉस्ट प्राइवेट कॉलेजेस, या 500 के ऊपर मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि पीपल आर रेडी टू टेक अनदर ड्रॉप। यस, तो देखिए यही पेरेंट्स और यही स्टूडेंट्स काफी अवेयर भी होते हैं, तो उनको ये लग रहा है कि चूंकि मार्च में सेशन स्टार्ट होगा या अप्रैल में सेशन स्टार्ट होगा, पता नहीं कैसे खत्म होगा, कैसे शेड्यूल चलेगा, हमारी क्लासें खींची जाएंगी, दबाई जाएंगी, जल्दी जल्दी हमारा कोर्स खत्म होगा, तो इन सब चीजों को, और सब होगा ही, देखिए इनको शक नहीं है ना, जब 9 महीने चीज लेट स्टार्ट हो रही है या 6 महीने ही मान के चलो, तो उसको स्क्वीज तो करेंगे अगले आने वाले 4 साल में। तो सरकारी इसको मिल रहा है वो तो क्यों छोड़ेगा, तो सर 200-250 नंबर वाले हैं, 300 नंबर वाले, उनको पता है कि भाई हमारा 500-600 तो आना नहीं है, तो सीट लेके नक्की करो। बट 500 से लेके 580 के नंबरों में ट्रेंड देख रहा हूँ, हमारे भी काफी क्लाइंट थे, तो उससे एक एक्स्ट्रा प्लॉट जिन्होंने ये कहा कि सर जो आपको फीस दे दी आप रख लो, अगले साल काम आ जाएगी। और हमने ये डिसाइड करा है कि बच्चा भी कह रहा है कि एक ड्रॉप करता हूँ, क्योंकि अप्रैल में पढ़ाई शुरू होनी है, सब कुछ ठीक रहा तो मई में तो दोबारा नीट हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बात भी नहीं है कि मैं बोर हो रहा हूँ, एंड आई विल हैव टू टेक अ चांस फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज इन 2022 बैच। तो ये एक सबसे बड़ा जो मुझे लग रहा है कि
बहुत फर्क नहीं पड़ता। देखिए तो अगर प्राइवेट में इंडिया में टोटल मिला के 45,000 सीटें हैं, तो अगर 3,000 बच्चे भी ये डिसीजन ले लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो 300 की लाइन के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा बेटर कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि जो 500 की लाइन वाले हैं वो उस कॉलेज को छोड़ देंगे। सो ऐसा हो सकता है कि 11-12 लाख की फीस वाले कॉलेजेस मिल जाए थोड़े से कम नंबर, देखिए 200 नंबर का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बात हो रही है 30-40 नंबर की। और बिकॉज ऑफ दिस साइकोलॉजी जो मैं खुद भी देख रहा हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, तो ये एक और इम्पैक्ट है डिले का, अदर देन जो बाकी सारे चेंजेस हुए हैं उसका मैंने बताया कि डीम्ड के लोअर इंडिया कोटा सीट वापस ना जाना, ओबीसी रिजर्वेशन लोअर इंडिया कोटा में आना, ईडब्ल्यूएस आना, ब्रॉडली काउंसिलिंग प्रोसेस का इस बार साथ होना डीम्ड एंड स्टेट प्राइवेट, ये सब जो डिफरेंसेस करेंगे करेंगे। उसके अलावा बिकॉज ऑफ दिस सेशन डिले तो काफी जो टॉपर बच्चे हैं जो प्राइवेट में जा रहे थे दुखी हो गए कि जिसका खासकर सेकेंड अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट वाले तो अक्सर 500 ऊपर वाले ड्रॉप लेते ही हैं, तो वो भी अब एक और ड्रॉप लेने के चक्कर में है, तो दैट विल फर्दर कॉम्प्लिकेट और मेक द सिचुएशन इजी फॉर फ्यू पीपल। तो ये सब बातें हैं और मैं हमेशा भी कहता हूं हम चाहे और भी दूसरे अच्छे काउंसलर जरूर हायर कीजिए फॉर योर MBBS इंडिया सीट की जर्नी, सीट की खोज, एडमिशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये, ट्रस्ट मी। और कभी मैं अपील नहीं करता बट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो कर लीजिए और आपको ऐसे ऐसे इनसाइट्स जानकारी मिलती रहेंगी मेरे द्वारा। आपका दिन शुभ हो, बेस्ट विशेस फॉर योर ड्रीम MBBS कॉलेज एंड सीट। धन्यवाद, बाय बाय।